नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा में आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए गोंडवाना के लोकसभा प्रत्याशी सतीश चंद्रवंशी और विधानसभा प्रत्याशी राजकुमार सरयाम ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि समाज के समग्र उत्थान के लिए सीएम कमलनाथ ही एकमात्र उम्मीद है। इस मौके पर दोनों ही नेताओं ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष त्रुबाबा हीरा सिंह मरकाम के प्रति आदर का भाव व्यक्त करते हुए पार्टी अध्यक्ष और आदिवासी समाज को धोखा देने वाले नेताओं से बचकर रहने की अपील की। शहर के देहात थाना अंतर्गत गुरैया की गगन विहार कॉलोनी में गुरुवार को एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक ने अपनी ही पत्नी और 2 साल के मासूम का गला दबाकर हत्या कर दी और बाद में खुद फांसी पर झूल गया। मामले में जानकारी देते हुए एसपी मनोज राय ने बताया कि मृतक युवक गगन महेंद्र सूर्यवंशी शेयर मार्केट का काम करता था। पिछले कुछ दिनों से वह परेशान था। बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात उसने अपनी पत्नी रूपम सूर्यवंशी और अपने पुत्र जलस सूर्यवंशी की गला दबाकर मार डाला और बाद में खुद ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रात में गगन विहार कॉलोनी में दोपहर में सूचना प्राप्त हुई है कि एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली है और उनकी पत्नी और बच्चे की डेड बॉडी घर में पड़ी है। इस सूचना पे अभी तत्काल हम लोग मौके पे यहाँ पहुंचे हैं। जाके देखने पे ये प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि मृतक महेंद्र सूर्यवंशी है, जो यहाँ पे किराए के मकान में रह रहे थे, वो फांसी के फंदे पे उनकी बॉडी लटकी हुई थी और बेडरूम में उनकी पत्नी रूपल और 2 साल का बच्चा है। वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने तकिए से उसके उसको दम घोट के उनकी मृत्यु की है। माचागुरा डैम से जलापूर्ति होने के बाद भले ही नगर निगम ने जल संकट की जंग जीत ली है, लेकिन इसके बाद भी पानी को लेकर निगम मुस्तैदी बरतने से पीछे नहीं है। नगर निगम ने अब शहर के उन सरकारी कुओं की साफ सफाई करानी शुरू कर दी है जो जरूरत पर एक बड़ी आबादी को जलापूर्ति करने में सहायक है। गुरुवार को पालिका मार्केट में बने कुएं की सफाई कराई गई। कोयलांचल क्षेत्र में 3 हत्याओं के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे कुख्यात आरोपी उमेश मरसकोले को चांदामेटा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके कब्जे से कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। एएसपी शशांक गर्ग ने बताया कि पकड़े गए आरोपी पर बलवा हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट सहित कई धाराओं में प्रकरण दर्ज है, जिसे चांदामेटा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कट्टा लेकर मिला, तब यह पता चला कि इसके विरुद्ध ये 3 अपराध भी पंजीबद्ध हैं, तो इसको लेकर पूछताछ करके इसका खुलासा किया गया। ये 3 महत्वपूर्ण अपराध थे, इसमें फरार चल रहा था। पतंगबाजी का मौसम जा चुका है, लेकिन चाइनीज मांझा आज भी पक्षियों की जान का दुश्मन बना हुआ है। गुरुवार को कलेक्टर बंगले के एक सूखे वृक्ष में साइबेरियन पक्षी मांझे में उलझ गया। सूचना मिलने पर वन विभाग के रेस्क्यू स्क्वाड अधिकारी राजेश बागड़े और शर्प हेमंत गोदरे ने नगर निगम की स्काई लैब मशीन का सहारा लेकर पक्षी को नीचे उतारा और उसकी जान बचाई। फॉल्ट के कई कारणों में से एक कारण तारों के सहारे लगाए गए तोरण हैं। इन तोरणों को उत्सवों के समय लगा तो दिया जाता है पर निकाला नहीं जाता। नतीजतन कई बार ये दुर्घटनाओं और विद्युत फॉल्ट का कारण बन जाते हैं। शहर संभाग कार्यपालन अभियंता योगेश उइके ने बताया कि तोरण यदि टूट कर नीचे लटकने लगे तो वाहनों में फंस कर दुर्घटना और फॉल्ट का कारण बन जाते हैं। तोरणों में खिंचाव से तार आपस में जुड़ जाते हैं और चिंगारी के साथ फॉल्ट हो जाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।